हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया था थोड़ी देर पहले और बोला कि एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि कितने बच्चे फेल हैं, कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे ने 50 से ज्यादा मार्क्स गेन किए, कितनों ने कम मार्क्स गेन किए, इस तरह का कुछ हमें करना हो तो कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो चलिए आइए इसी की बात करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को मैं कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर को ऑटो नंबर रखा है हमने, नेम ऑफ स्टूडेंट को टेक्स्ट डेटा टाइप और बाकी सब नंबर डेटा टाइप रखा है हमने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को। और यहाँ पर टोटल मार्क्स हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर व्यू पे इसे डेटा शीट व्यू पे लेके आते हैं और यहाँ पर हमें क्रिएट पे जाना है। और क्रिएट पे जाने के बाद कहाँ जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है। और यहाँ से हम क्वेरी डिजाइन में जाकर के क्लिक करेंगे और ये सारे फील्ड्स को लेके आएंगे। ठीक है, तो ये सारे फील्ड्स को हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से लेके आ जाते हैं। तो ये तो हमने आपको पहले ही बताया है इस तरह से कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर कर्सर को रखेंगे, कोलन लगाएंगे और जिन जिन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करना है, लाइक इंग्लिश कर दिया पहले, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लस किया, अब क्या है, अब कंप्यूटर है, तो यहाँ पर कंप्यूटर कर लेता हूँ, COMPUTER कंप्यूटर हो गया, क्लोज किया, प्लस किया, और अब बायोलॉजी कर देते हैं, तो ये बायोलॉजी हो गया, बंद करेंगे ब्रैकेट को, प्लस करेंगे, और फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहां पर आप कर देते हैं केमिस्ट्री, CHEMESTRY केमिस्ट्री, और प्लस करेंगे, और फिर यहां पर आएगा आपका फिजिक्स, तो यहां पे कर दिया मैंने फिजिक्स। ओके, तो ये फिजिक्स कर दिया, तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए। एक बार इसको जूम व्यू पे लेके देख लेते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स हुए हैं नहीं, 1 2 3 4 5, तो पांचों सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोलन लगाता हूँ और टोटल मार्क्स के आधार पर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया ही था आपको, तो ये देखिए ये टोटल मार्क्स हो गया अपॉन 5 सब्जेक्ट है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ये टोटल यहाँ पे सारा कुछ आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमें एक फॉर्म बनाना है, तो यहाँ क्रिएट पे चलेंगे और यहाँ से हम फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कहाँ चलना है, यहाँ पे मोर फॉर्म पे, फॉर्म विजार्ड पे जाएंगे और इस क्वेरी को सेव करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट क्यू के नाम से इसे सेव कर देता हूँ, स्टूडेंट क्यू, स्टूडेंट क्वेरी, तो ये मैंने सेव कर दिया। अब इन सारे फील्ड्स को हमें लेके आना है इधर और यहाँ पर इस तरीके से आकर के और फिर कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड डिजाइन पे जाके और इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको एड एग्जिस्टिंग फील्ड दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पर एक एक फील्ड हमें ले लेनी है, यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएंगे तो ये दूसरी फील्ड हो गई, फिर यहाँ से ये तीसरी फील्ड हो गई, पहला सब्जेक्ट, ठीक है, फिर ये दूसरा सब्जेक्ट, फिर ये तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री, और फिर ये चौथा सब्जेक्ट फिजिक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स और यहाँ पर एवरेज, ये सारी चीजें हम लेके आ चुके हैं। अब यहाँ पर रोल नंबर को थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, यहाँ किनारे रोल नंबर कर लेते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर लेते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर लाइन वाइज हमारे आएंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ से इसको बड़ा कर लीजिए और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ये एडजस्ट भी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पर केमिस्ट्री रखता हूँ और फिर यहाँ पे फिजिक्स रखता हूँ, यहाँ पे टोटल मार्क्स है और यहाँ पर एवरेज है। तो ये अगर आप इसको और ऊपर लेके आना चाहते हैं तो रख सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ, मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से इसको रेड कलर प्रोवाइड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ये वाला कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। और अब बैकग्राउंड का कलर कैसा रखना है वो देख लीजिए, तो यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर मैं रखूंगा ये, तो कुछ इस तरीके से ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे डेटा को एक बार सेलेक्ट करके और एक बार बोल्ड कर देता हूं इस तरीके से, तो ये पूरा डेटा बोल्ड में आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ व्यू पे क्लिक करना है, और व्यू पे भी क्लिक करने के पहले हमको ये भी पता करना है, देखिए व्यू पे क्लिक करता हूँ कैसा ये दिखेगा, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब यहाँ पर वापस से डिजाइन व्यू पे आता हूँ और यहाँ पर हमें ये पता करना है कि कौन सा स्टूडेंट 50% से कम, ठीक है, तो अभी हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे ये दूसरा रोल नंबर 5 है और यहाँ पे देखिए ये रोल नंबर 4, 3 2 1,
यानी कुल मिला के 5 स्टूडेंट की लिस्ट हमारे पास मौजूद है और पांचों का सारा डिटेल अलग-अलग आपको दिख रहा है। मैं क्या करता हूं यहां इसे डिजाइन व्यू पे लेता हूं और देखते हैं कि किसके मार्क्स जो हैं 50% से लेस हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50% से लेस हैं, यही सवाल उनका था। तो अभी इसको हटा देता हूं, ये टेक्स्ट 1 ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं लेस देन 50% ठीक है, सीधा-सीधा ये लिखता हूं लेस देन 50% ओके। तो ये लेस देन 50% लिख दिया हमने ओके। और अब यहां पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको लेस देन 50% दिखाई पड़ेगा, इसका भी नाम चेंज कर देता हूं, लेस देन 50% ही रख देता हूं। तो यहां पे लिखता हूं मैं लेस देन 50% ठीक है, तो ये लेस देन 50% रख दिया हमने। और अब यहां पर क्लिक कीजिए और यहां से इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ओके। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये मैंने कर दिया। अब यहां कंट्रोल सोर्स पे जाके 3 डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए, यहां पर आपको फार्मूला मिल जाता है। तो इज इक्वल टू लगाया काउंट ठीक है, काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा। और आई इफ, यहां पर आई इफ लगाया जाता है, एक्सेल में केवल इफ होता है ठीक है। अब हमें एवरेज के आधार पर कैलकुलेट करना है, तो यहां लिखा मैंने एवरेज ठीक है, ये एवरेज लिख दिया हमने, ब्रैकेट को क्लोज किया, एवरेज इज लेस देन 50, ये लेस देन का साइन है और लेस देन 50 मैंने कर दिया इज इक्वल टू, यहां कॉमा देकर के 0 दे देंगे, बस आपका काम हो गया है। दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर दीजिए और बस ओके प्रेस कर दीजिएगा तो यहां पर आंसर आपका आ जाएगा। तो ये लेस देन 50 बताएगा, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लेस देन 50 है, तो एक ही स्टूडेंट ऐसा है जो लेस देन 50 है। तो यहां पे एवरेज देख सकते हैं, इनका एवरेज जो है 53% है ठीक है। और अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो इनका एवरेज जो है ये 71% है और इनका एवरेज जो है 79 से अबव है, यहां पर 51% इनका है। और यहां पे देख सकते हैं ये है रामू जिनका एवरेज जो है 38% है ठीक है, ये पांचवे स्टूडेंट है यानी कि लास्ट स्टूडेंट, इसके बाद कोई अदर स्टूडेंट हमारे पास नहीं बच जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करें दूसरे की ठीक है, अब इसी में दूसरी क्राइटेरिया आप कैसे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये तो हमने दे दिया लेस देन 50 ठीक है, लेकिन अब यहां पर हमें करना हो ग्रेटर देन 50 या फिर कुछ और करना हो तो कैसे करेंगे, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं यहां पे लेके आता हूं ठीक है। फॉर्मूले को एडिट करते हैं, यहां पे लेस देन 50 दिया मैंने, इसको हटा देता हूं पहले, यहां पे मैं दे देता हूं परसेंट ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 60% दे दिया हमने और यहां पे क्लिक किया तो आपको यहां पे ग्रेटर देन 60% ये ग्रेटर देन 60% वाला है, यहां पर क्लिक कीजिए, इसको भी बना लीजिए ग्रेटर देन 60%, लेस देन हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं ग्रेटर greater ग्रेटर देन 60% ठीक है। तो ये 60% कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से ओके। तो ये हो गया, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं यहां से कुछ इस तरीके से ओके। और यहां पर देख सकते हैं जो फार्मूला लगा हुआ है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आप कर दीजिए, क्या करना क्या है देखिए, इसको मैं एक बार यहां से जूम पे ले लेता हूं। अब देखिए ये हमारा फार्मूला है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देख पाने में सुविधा हो, आसानी हो, आप अच्छे से देख पाए, इसीलिए इसको बड़ा भी कर देता हूं। तो यहां से इसके साइज में बढ़ा लेता हूं, ओके करता हूं। अब देखिए ये आपको साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है, यहां पे मैंने किया है एवरेज इज लेस देन 50 ठीक है, इस बार करता हूं एवरेज इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या करता हूं, एवरेज इज ग्रेटर देन 60 कर देता हूं, ये 50 को कर देता हूं 60 ठीक है। और अब ओके प्रेस करता हूं तो 60 से ग्रेटर वाले कितने स्टूडेंट हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा, दो स्टूडेंट हैं जो 60 से ग्रेटर हैं और एक स्टूडेंट ऐसा है जो 50 से लेस है। तो लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50 दोनों ही आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी और आसानी के साथ आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।